हेलो फ्रेंड्स, टोपोलॉजी में आगे थ्योरम है। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए हॉसड्रॉफ स्पेस इज क्लोज्ड, कि हॉसड्रॉफ स्पेस यानी टी2 स्पेस का हर एक कॉम्पैक्ट सबसेट क्लोज मिलेगा, ये प्रूव करना है। हमने मान लिया XT कोई टी2 स्पेस है और E उसका कोई कॉम्पैक्ट सबसेट है, तो E को क्या दिखाना है? E को क्लोज दिखाएंगे। E को क्लोज दिखाने के लिए क्या प्रूव कर दूं? E के कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दूं, यानी x माइनस ई को ओपन प्रूव कर देंगे। और x माइनस ई को ओपन कैसे प्रूव करेंगे? कि x माइनस ई अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। अगर नेबरहुड हो गया तो ये ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए हमने कोई पॉइंट x मान लिया x माइनस ई से, यानी E के कॉम्प्लीमेंट से। तो मैं E से कोई भी पॉइंट वाई उठाऊंगा तो एक्स और वाई दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेंगे। और हमारा स्पेस कैसा है? टी2 स्पेस है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उस टी2 स्पेस के उठाए हैं तो दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिलेंगे। वो हमने मान लिए जी एक्स और जी वाई, दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए, जो क्या करते हैं, जी एक्स कंटेन करेगा एक्स को और जी वाई कंटेन करेगा वाई को। तो मैं ऐसे ऐसे सारे ओपन सेट उठा लूँगा, ई में से पॉइंट उठाऊँगा, y उठाया, ऐसे ही दूसरा पॉइंट y1 उठाया, y2, ऐसे पॉइंट उठाता जाऊंगा, तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें ओपन सेट मिलते जाएंगे, gy1, gy2, ऐसे। तो जो ये फैमिली बनाऊंगा gy वाली, वो क्या हो जाएगी? ओपन कवर हो जाएगी e की। और e हमें कैसा दे रखा है? कॉम्पैक्ट दे रखा है। तो e अगर कॉम्पैक्ट है और gy उसकी ओपन कवरिंग है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? कि उसके हर एक ओपन कवर क्या होगी? फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो जाएगी। तो हमने मान लिया, तो जो ये ओपन कवर थी जी वाई वाली, वो रिड्यूस हो गई फाइनाइट सब कवर में। उसका नाम क्या दे दिया? जी वाई आई आई फ्रॉम 1 to n, कि जी वाई आई एक फाइनाइट सब कवर है ई की। अगर फाइनाइट सब कवर है तो क्या इम्प्लाई हो जाएगा? ई कंटेंडेंट हो जाएगा यूनियन आई फ्रॉम 1 to n जी वाई आई। अब जैसे ही जी वाई आई आई है ना, ऐसे ही एक्स के करस्पॉन्डिंग ओपन सेट आएंगे जी एक्स आई। ये जी एक्स आई ओपन सेट हैं सारे, जो किसको कंटेन करते हैं? एक्स को कंटेन करते हैं। हमने क्या मान लिया? जी मान लिया इंटरसेक्शन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n जी एक्स आई। जो ये सारे ओपन सेट जी वाले आए थे ना, जो एक्स को कंटेन करते थे, वाई वालों के करस्पॉन्डिंग, जैसे हमने एक्स पॉइंट लिया है एक्स माइनस ई से और वाई पॉइंट लिया ई से, तो दो ओपन सेट मिले जी एक्स जी वाई। ऐसे ही ई से मैं कोई दूसरा पॉइंट लूँगा वाई वन, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा ओपन सेट मिलेगा, मान लो जी वाई वन मिला है, तो एक्स को कंटेन करने वाला दूसरा एक ओपन सेट मिल जाएगा जी एक्स वन, मान लो उसको। ऐसे ही ई से कोई दूसरा पॉइंट वाई टू उठाऊंगा तो एक ओपन सेट मिलेगा जी वाई टू, तो एक्स को कंटेन करने वाला एक और ओपन सेट मिल जाएगा, कोई जी एक्स टू मिलेगा। तो ऐसे जी एक्स वन, जी एक्स टू, जी एक्स ई, ऐसे ओपन सेट सारे मिलेंगे जो एक्स को कंटेन करेंगे। तो हमने उन सब का इंटरसेक्शन किसको मान लिया? जी को मान लिया, कि जी इन सब का फाइनाइट इंटरसेक्शन है। तो क्या कहता है? जो ये जी आया है ये एक ओपन सेट होगा, क्यों? ओपन सेट का फाइनाइट इंटरसेक्शन है, ओपन मिलेगा। और दूसरा क्या हमने जी मान रखा है? इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 to n जी एक्स आई, ये कंटेंडेंट होगा इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 to n एक्स माइनस जी वाई आई। इसमें तो कंटेंट हो जाएगा भाई, जी एक्स आई एक्स में कंटेंट होगा और जी वाई आई से डिसजॉइंट है, तो इसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इंटरसेक्शन को इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा, इसको अंदर लेके गया तो क्या होगा? एक्स माइनस इंटरसेक्शन का यूनियन यूनियन आई फ्रॉम 1 to n जी वाई आई, और ये कंटेंट हो जाएगा एक्स माइनस ई में। क्यों? हमें पता था कि यूनियन आई फ्रॉम 1 to n जी वाई आई ई की क्या थी? फाइनाइट सब कवर थी, तो ई को कंटेंट करेगी। दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ई का कॉम्प्लीमेंट, तो ये साइन था, ये साइन चेंज हो गया, और इधर यूनियन आई फ्रॉम 1 to n जी वाई आई का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट करना है, तो वो यही आ जाएगा कि एक्स माइनस यूनियन आई फ्रॉम 1 to n जी वाई आई कंटेंट इन एक्स माइनस ई से। तो हमने क्या दिखा दिया? कि एक्स बिलोंग करता है जी से और जी एक ओपन सेट जो कंटेंट होता है एक्स माइनस ई से। तो इस बात का मतलब क्या हो गया? एक्स माइनस ई नेबरहुड हो गया, किसका? एक्स का नेबरहुड हो गया। लेकिन एक्स कैसा पॉइंट था? एक्स तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो क्या हुआ? एक्स माइनस ई अपने किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट का नेबरहुड हो गया, तो यानी एक्स माइनस ई अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो गया। तो हर पॉइंट का नेबरहुड होते हैं क्या हो गया? एक्स माइनस ई ओपन हो गया, और एक्स माइनस ई ओपन है तो ई कैसा है? क्लोज है।